हाइड एंड सीक। गट्टू चिंकी का बिल्कुल आपकी तरह ही रूटीन बन गया था। घर से स्कूल, स्कूल से घर और घर आते ही फिर से ट्यूशन। इधर मम्मी पापा की भी वही हाल थे। मम्मी सुबह से लेकर रात तक सबके लिए बस भागती रहती थी और पापा दिन भर ऑफिस में ही रहते थे। लेकिन इस संडे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि संडे की छुट्टी ने सबका मूड फ्रेश कर दिया था। हम आज पूरे एक हफ्ते बाद सब साथ साथ सुकून के साथ बैठे हैं। मजा आ जाएगा आज तो। मुझे लगता है आज हमें सारे शेड्यूल को छुट्टी देकर मस्ती करनी चाहिए। क्यों ना हम आज हाइड एंड सीक खेले? क्यों मम्मी, क्या कहती हो? उसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो रोज हाइड एंड सीक खेलती हूँ और मुझे ढूंढने वाला भी कोई नहीं होता। ऐसा थोड़ी है, स्कूल से घर आते ही मैं आता हूँ ना आपको ढूंढते हुए। पापा बताओ ना, खेले क्या? देखेंगे। पापा बस इतना ही बोले और बेचारे गट्टू चिंकी का मूड खराब हो गया। गट्टू चिंकी लंच खत्म करके अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, तभी उनके कमरे के सामने पापा खड़े थे, मोबाइल में बिजी थे। गट्टू चिंकी उनसे बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगे। तभी पापा बोले, अरे जा क्यों रहे हो, हमें खेलना है ना। ये आप सच कह रहे हो? अरे बाबा हाँ। थैंक्स पापा, लेकिन मम्मी कहाँ है? तभी पीछे से मम्मी आई और उन्होंने बच्चों को धप्पा कर दिया। धप्पा? मम्मी मैं कितना डर गई थी पता है? मेरी बचपन की सहेली मीना भी ऐसे ही डरती थी। वो बेचारी कहीं और देखती रहती थी और मैं कहीं और से आकर धप्पा कर देती थी। अरे तुम अपना मत सुनाओ, मेरा सुनोगे तो मेरे साथ खेलोगे ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्या करते थे आप? मैं जब अपने फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीक खेलता था, ऐसी ऐसी जगह छिपता था कि क्या बताऊं। शाम होती थी लेकिन कोई ढूंढ नहीं पाता था मुझे, आज भी कोई ढूंढ नहीं सकता मुझे। आप अपना छोड़ो, मेरा सुनो। अरे मम्मी पापा बस बस बस, कितना सुनाओगे, हमें खेलना भी तो है। अरे हाँ भाई, चलो चलो, 2 बज गए हैं, मुझे शाम को एक मीटिंग में भी जाना है। चलो बताओ कौन छिपेगा और कौन ढूंढेगा? गट्टू, गट्टू ढूंढेगा हम सबको, उसका ही आइडिया था ना ये। ठीक है मैं ढूंढता हूँ, आप सब छिप जाओ। 1 2। अरे चीटिंग, छिपने तो दो। अच्छा अच्छा जाओ। सब लोग इधर उधर भाग गए और छिप गए। गट्टू काउंटिंग करता रहा, 8 9 10, मैं आ रहा हूँ, याहूँ। गट्टू धीरे धीरे सबको ढूंढने लगा। पहले तो उसे कोई नहीं मिला, लेकिन फिर डाइनिंग टेबल के नीचे मम्मी छिपी हुई दिखी। गट्टू शांति से उनके पास गया और बोला, क्या मम्मी आप, ये है आपके छिपने की जगह? गट्टू मेरा बच्चा, एक सीक्रेट बात बताती हूँ, मुझे छिपना नहीं आता। एक काम कर, मुझे छोड़, तू अपने पापा को पकड़ ले, उसमें चैलेंज है। अपने पापा को ये मत कहना मम्मी ने बोला था, उनको बोलो मम्मी मुझे अभी तक मिली ही नहीं, आप ही मिले हैं। गट्टू मम्मी की शरारत समझ गया और चुपचाप निकल गया। गट्टू के सामने उलझन ये थी कि पापा को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि पापा का टैलेंट तो छिपने में है, साथ साथ अलर्ट भी रहता था, क्योंकि चिंकी बिल्ली की तरह कहीं से भी कूदकर गट्टू को धप्पा दे सकती थी। गट्टू ने पापा को बहुत ढूंढा, फिर भी वो नहीं मिल रहे थे। आइडिया, गट्टू ने मोबाइल निकाल कर पापा को कॉल लगाया। हाँ हेलो गट्टू, बोलो क्या हुआ? पापा मिल गए, पापा मिल गए। पापा काफी सारे सामान के बीच में दबकर स्टोर रूम में छिपे थे। गट्टू ये चीटिंग है, तुमने कॉल किया इसलिए मैं पकड़ा गया। नहीं नहीं, गलती आपकी है, आपको पता था ना हम खेल रहे हैं, और खेल में तो कुछ भी हो सकता है, आपको अलर्ट रहना चाहिए था ना। आप पापा के रोल से बाहर ही नहीं निकल पाए, इसीलिए पकड़े गए। ये सुनकर पापा हंसने लगे। तभी मम्मी आई। पकड़े गए ना आप, मैं जानती थी आप ज्यादा देर छिप कर नहीं बैठ सकते। अरे तुम क्यों बाहर आई, अरे तुम मुझे बचा भी तो सकती थी। पापा मम्मी आपसे पहले ही पकड़ी जा चुकी हैं। चलो अब चिंकी को ढूंढो और ये राउंड खत्म करो। ये चिंकी बड़ी चालाक है, आसानी से हाथ नहीं आएगी। आखिर बेटी किसकी है, चिंकी बेटा अलर्ट रहना, पापा की इज्जत का सवाल है। और इस प्रकार गट्टू चिंकी को ढूंढने लगा।
बहुत ढूंढने पर भी चिंकी गट्टू को नहीं मिल रही थी। ये चिंकी तो सच में चालाक है, मुझे भी कुछ चालाकी करने चाहिए। कहाँ छिप सकती है चिंकी? रूम में? नहीं नहीं नहीं, बाथरूम में। तभी गट्टू को जोरदार आइडिया आया। चटर पटर चिंकी खाए बटर चिंकी, फ्रिज में फ्लेवर्स मिले और कहाँ जाए चिंकी। गट्टू ऐसे गाने लगा और गाते गाते उसने फ्रिज का दरवाजा खोला तो चिंकी फ्रिज में बैठकर आइसक्रीम चाट रही थी। पकड़ लिया पकड़ लिया। मम्मी पापा आए और चिंकी को देखकर वो भी हंसने लगे। चिंकी फ्रिज से बाहर आ गई। क्या पापा, आपको क्या लगा मैं अपनी बहन को ढूंढ नहीं सकता? वाह गट्टू, बहुत अच्छे से पहला राउंड क्लियर किया तुमने और बहुत मजा भी आया खेलकर। और नहीं तो क्या, और ये भी पता चला कि पापा को अब पहले जैसे छिपना नहीं आता। हाँ, काम की उलझन और मोबाइल का एडिक्शन, लेकिन अब अगले राउंड में देखना क्या होगा। मम्मी आप भी जरा किचन से बाहर निकलो, और भी जगह है घर में छिपने के लिए। और मैं क्या करूं? ये सुनकर गट्टू हंसते हुए बोला तुम जैसी हो वैसी रहो। तो ठीक है, शुरू करते हैं दूसरा राउंड, चलो एक दो। अरे अरे सुनो, तुम लोग छिप जाओ, मैं ढूंढती हूँ तुम्हें। गट्टू ने पहले मुझे पकड़ा था ना, आप तो हमें ढूंढ नहीं पाओगे। फिर शाम हो जाएगी, फिर आपकी मीटिंग भी है, खराब मूड लेकर जाना पड़ेगा फिर। नहीं नहीं, मीटिंग वीटिंग कैंसिल, आज संडे है यार, मजा आ रहा है, एंजॉय करने दो। जाओ भाई छिपो सब, एक दो तीन। बाकी सब छिपने के लिए भागे और इस प्रकार दूसरा राउंड शुरू हो गया। पापा वर्सेस मम्मी। चिंकी पापा की परी थी और गट्टू मम्मी का लाडला। दोनों भी मम्मी पापा से बेहद प्यार करते, लेकिन फैसले की घड़ी में चिंकी पापा की साइड लेती और गट्टू मम्मी की बाजू में खड़ा हो जाता। एक दिन दोनों हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। पापा ज्यादा पावरफुल है या मम्मी? मेरी मम्मी पापा से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी मम्मी हॉल में आई और गैलरी में खड़े पापा को आवाज देने लगी। सुनो, सिलेंडर खत्म हो गया है, स्टोर रूम में से सिलेंडर ले आओ। ये सुनकर चिंकी जोर जोर से हंसने लगी। क्या बात है चिंकी? नहीं कुछ नहीं, आप जाओ, पापा सिलेंडर लेकर आ जाएंगे, है ना गट्टू? चिंकी फिर से हंसने लगी और गट्टू गुस्सा हो गया। तभी पापा वजनदार सिलेंडर बाहुबली की तरह कंधों पर उठाकर किचन की तरफ निकल गए। देखा, पापा बाहुबली की तरह पावरफुल है, मम्मी तो सिलेंडर हिला भी नहीं सकती। हाँ हाँ रहने दो, पापा सिलेंडर उठा सकते हैं, लेकिन किचन में घंटों खड़े रहकर हमारे लिए सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम का नाश्ता और फिर रात का डिनर थोड़ी बना सकते हैं। मम्मी हाथ में झाड़ू पोछा लेती है तो चुटकी में घर साफ हो जाता है। पापा झुकते हैं तो उनकी कमर में दर्द हो जाता है। मम्मी इतने सारे काम फटाफट करती है फिर भी उनकी कमर दर्द नहीं करती, फिर तो पापा से ज्यादा पावरफुल मम्मी ही है ना। ये सुनकर चिंकी गुस्सा हो गई। नहीं पापा पावरफुल है, नहीं मम्मी, नहीं पापा। दोनों की बहस सुनकर पापा मम्मी हॉल में आ गए। गट्टू चिंकी क्यों बहस कर रहे हो? मम्मी देखो ना, चिंकी कह रही है पापा ज्यादा पावरफुल है, आप नहीं। अरे तो इसमें गलत क्या है, चिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तो हूँ ही पावरफुल। ये सुनकर मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा है तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मैं जो कर सकती हूँ वो आप करेंगे? यस कम ऑन पापा, चैलेंज एक्सेप्ट करो। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब बोलो क्या करना है। सिंपल है, आज हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे, आप अपने लिए और चिंकी के लिए बनाओगे और मैं गट्टू और अपने लिए बनाती हूँ। ये तो चीटिंग है ना मम्मी, पापा तो खाना बना लेंगे लेकिन आप पापा की तरह ऑफिस जा पाओगी, पापा की तरह कार चला पाओगी। बेटा अपने पापा से पूछो, जब तुम दोनों नहीं हुए थे तब मैं भी ऑफिस जाती थी, तुम्हारे पापा को ऑफिस ड्रॉप करती थी और कार लेकर अकेली अपने ऑफिस जाती थी, वो तो तुम दोनों के जन्म के बाद मुझे ऑफिस छोड़ना पड़ा। तो ठीक है, हमें आपका चैलेंज मंजूर है, अब किचन में होगा महामुकाबला, मम्मी वर्सेस पापा। मुकाबला शुरू हुआ, पापा और मम्मी सब्जी काटने लगे, लेकिन मम्मी के हाथ पापा से तेज चल रहे थे। यस मम्मी, गट्टू को यकीन था
मम्मी। कि पापा मम्मी से हार जाएंगे क्योंकि खाना बनाना उनके बस की बात ही नहीं। लेकिन चिंकी को पापा पर पूरा भरोसा था। दोनों ने गैस पर अपनी अपनी सब्जी चढ़ाई और दोनों आटा गूंथने लगे। अब पापा मम्मी से तेज चल रहे थे, ताकत लगाकर आटा गूंथ रहे थे। यस, पापा, 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 कम ऑन पापा। दोनों ने आटा गूंथा और रोटियां बेलने लगे। पापा फटाफट रोटियां बेल रहे थे और वो गोल भी बन रही थी, साथ साथ बिल्कुल मम्मी की रोटियों जैसे तवे पर गुब्बारे की तरह फूल भी रही थी। वाह पापा, आपका ये टैलेंट तो मुझे पता ही नहीं था। कहाँ से सीखा आपने रोटियाँ बनाना? कॉलेज लाइफ में बेटा, जब हम सब दोस्त बैंगलोर में फ्लैट लेकर रहते थे तब हर रोज मैं ही रोटियाँ बनाता था। पापा मम्मी ने मिलकर सारा खाना बनाया और महामुकाबला संपन्न हुआ। मुकाबला संपन्न हुआ और कमाल की बात ये है कि दोनों खिलाड़ी इस परीक्षा में सफल रहे। अब है रिजल्ट की बारी। फिर क्या, गट्टू चिंकी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। पापा ने चिंकी को खाना परोसा और मम्मी ने गट्टू को। दोनों ने एक एक निवाला लिया और खाना शुरू किया। वाह मम्मी, आज तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने, मजा आ गया। लेकिन बेचारी चिंकी पहला निवाला लेते ही वो जोर जोर से खांसने लगी थी। उसकी आंख और नाक से पानी बहने लगा था। उसने काफी कड़वा मुंह बनाया और पानी पीने लगी। क्या हुआ, खाना ठीक नहीं बना है क्या? रोटी ठीक है लेकिन सब्जी, नमक और मिर्च बहुत ज्यादा है, मुंह चल गया मेरा। ये सुनकर नाराज पापा ने मम्मी की तरफ देखा। मम्मी समझ गई और झट से पापा की बनाई हुई सब्जी उठाकर वो किचन में भागी। थोड़ी देर बाद मम्मी सब्जी लेकर वापस आई और उन्होंने वो सब्जी चिंकी को परोसी। अब खाकर देखो। चिंकी ने एक निवाला लिया और वो चौंक गई। वाह मम्मी, सारा तीखापन गायब हो गया, नमक भी ठीक ठाक है, आपने ऐसा क्या किया? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पानी और इमली डालकर सब्जी को फिर से पकाया है। यह सुनकर पापा मुस्कुराते हुए बोले, देखा मम्मी का टैलेंट, मैं तो मजाक कर रहा था, असली पावरफुल मैं नहीं तुम्हारी मम्मी ही है। ये मम्मी जीत गई, मम्मी जीत गई। हाँ पापा, अब हमें मानना ही पड़ेगा, मम्मी बहुत पावरफुल है। ऐसा नहीं है बेटा, हम दोनों तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, हम दोनों भी पावरफुल हैं। मेल और फीमेल दोनों ही पावरफुल तब होते हैं जब वो एक साथ होते हैं। दोनों में से एक भी साथ छोड़ दे तो दूसरे की पावर अपने आप कम हो जाती है। तुम्हारे पापा जो कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती, और तुम्हारी मम्मी जो कर सकती है वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हो, यही ना? बिल्कुल ठीक। तो हमें आज क्या सीख मिलती है? यही कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान में अलग अलग टैलेंट छिपा होता है, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। तो चलो अब हम ये सारा खाना मिलजुल कर खत्म करते हैं। खाना ठंड भी हो रहा है और भूख भी लग रही है, क्या कहते हो? हाँ हाँ चलो। फिर क्या, गट्टू चिंकी के साथ साथ मम्मी पापा भी खाना खाने बैठ गए और खाने पर टूट पड़े। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।